लुक आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस क्लियर फॉर द मोदी गवर्नमेंट, जो आप नया भारत विश्व गुरु बनाना चाहते हैं ना, वो कभी नहीं होगा. बिकॉज चाइना कैन बी अ कम्युनिस्ट कंट्री, रशिया कैन बी अ सोशलिस्ट कंट्री, बट इंडिया विल नॉट बिकम अ हिंदू कंट्री बिकॉज इंडिया वॉज बिल्ट अपॉन सेक्युलर लाइन्स एंड इट विल स्टे ऑन दो सेक्युलर लाइन्स. द 75 ईयर्स बैक बिफोर द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल दैट वॉज डन बाई वीर बी आर अम्बेडकर राव या लाला लाजपत राव या जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हमारे लड़े थे उस वक्त, वो ये हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे जहाँ पर इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स वेयर इंडिया वॉज बिल्ट अपॉन ए डेमोक्रेटिक स्टेट, ए रिपब्लिक स्टेट, ए सेक्युलर स्टेट एंड अ सोशलिस्ट स्टेट. एंड आई रिक्वेस्ट एंड वी आर हियर गैदर्ड टुडे प्रूविंग दिस दैट नाउ 75 ईयर्स लेटर वी विल फाइट अगेन टू सेव दैट कॉन्स्टिट्यूशन. जहाँ पर बारियत हो रही है, इनइक्वालिटी हो रहा है, आर्टिकल 15 हो या आर्टिकल 16 हो या आर्टिकल 14 हो, बी इट एनी लॉ, दे जस्ट ब्रेकिंग द लॉ, दे जस्ट वायलेटिंग एवरी आर्टिकल मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे फॉट वे बैक बिफोर. मोदी गवर्नमेंट और मोदी जी ने जब कहा था बड़ी शान से अपनी स्पीच में, अगस्त 1 को मुस्लिम वुमेन्स डे डिक्लेयर किया था, कहा था कि वुमेन को फ्रीडम मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा, सेफ्टी मिलेगा, इज दिस वॉट ही इज डूइंग, सो कॉल्ड फ्रीडम एंड सिक्योरिटी दैट इज क्रिएटिंग. आई थिंक व्हेन ही मेड द मोर रिक्वेस्ट, यू नो, व्हेन ही ब्रॉट इंडिया इनटू पावर फ्रॉम हिज बीजेपी गवर्नमेंट, दे सेड मेक इन इंडिया, इट वॉज नॉट मेक इन इंडिया, रिमेंबर दिस, इट वॉज रेप इन इंडिया. जो हिंदुस्तान का नाम दिया गया है, आज वो सारे आलम, द होल वर्ल्ड वाइड इट इज बींग टर्म्ड एज रेपिस्तान. अरे शर्म आई नहीं चाहिए आपको? आपने जब बेटी बचाओ कहा था, दे वर लिटरली सेविंग नूरपुर शर्मा, हु वाज डिसह्यूमिलेटिंग द होल वर्ल्ड फेम आउटसाइड. एंड नॉट सो जस्ट दिस, द गवर्नमेंट हैज टारगेटेड द माइनॉरिटी कम्युनिटी एट लार्ज, बी इट क्रिश्चियंस, दलित्स, एनीवन हु इज स्टैंडिंग इन अगेंस्ट देम, दे हैव बीन टॉर्चर्ड फॉर देम. ज़ुबैर वाज पुट अंडर बिहाइंड बार जस्ट बिकॉज ही रोज वॉइस, जस्ट बिकॉज ही सेड समथिंग वाज ट्रुथ. नॉट ओनली हिम, देयर आर मेनी जर्नलिस्ट, व्हेन दे वेंट ऑन टू सेड द ट्रुथ, दे जेल्ड देम. इज दिस व्हाट आर्टिकल 19 guarantees us? I don't think so. See, me being an advocate, I'm actually practicing and I'm learning advocacy now. मैं जो कहना चाहती हूँ कि लॉ के हिसाब से जो सब चीज़ चल रहा है, इट इज़ नॉट वॉट इज बींग गोइंग ऑन. हर लॉ इज बीन ब्रेकन ऑफ एंड द गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट दैट पास द रेमिशन पॉलिसी, इट वॉज बेस्ड ऑन द 1992 पॉलिसी. लेट मी रिमाइंड यू, आफ्टर दैट सीआरपीसी हैज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड, द जेल लॉज हैव बीन अमेंडेड. वाई नॉट फॉलोइंग दोज प्रिंसिपल? बाकी के सारे लॉज को फॉलो नहीं करते, इस बात पर आप फॉलो कर रहे हैं क्या? और पिछले की गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, एवरीबडी नोज मोदी हैज गॉट द क्लीन चिट राइट फ्रॉम सुप्रीम गवर्नमेंट. अगेन दैट वॉज ड्रॉन बैक बाय द ज़किया जाफरी केस, दैट वॉज ऑल्सो एन इनजस्टिस दैट टुक प्लेस. इट्स नॉट ओनली बिल्किस हु सफरिंग नाउ. आई होप द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन द पेटिशंस फाइल्ड ओवर देयर, आई होप दे टेक इट, बट आई डोंट थिंक दिस इज गारंटीड दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव फ्रीडम फॉर द माइनॉरिटीज, फॉर द दे आर गोइंग टू सेक्युलर दोज पीपल्स पावर. बट यहाँ पर जो लोग जमा होंगे, यहाँ पर जो सिग्नेचर्स लिए गए थे, वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी एंड सुप्रीम कोर्ट का दर पर हम खटखटाएंगे. और ये मानना चाहते हैं कि हम ये बोलना भी चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनकर एटलीस्ट उस बिना पर वो इंसाफ दी जाए.